आज किसान आंदोलन का 33वां दिन है। आपको बता दें कि 3 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इससे पहले नई उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। कल सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों ने शर्तों के साथ सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब आज सरकार को इसका जवाब भेजना है कि वो किन शर्तों पर बातचीत को तैयार है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार किसान जो है वो आंदोलनरत है। 33वां दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अब गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है और उनका कहना है कि अब सरकार को ये तय करना है कि वो हमसे किन शर्तों पर बातचीत करेगी। आज सरकार को किसानों के प्रस्ताव का जवाब भी देना है, क्योंकि लंबे समय से सरकार ये कह रही थी कि किसानों को तय करना है कि वो कब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो चिट्ठी सरकार की तरफ से गई थी किसानों को, उस पर विचार के बाद, उस पर मंथन के बाद जो किसान जितने भी 40 संगठन हैं उनकी मीटिंग के बाद, एक तरह से बैठक के बाद, अब सरकार को चिट्ठी भेज दी गई है और सरकार को कहा गया है। और उस चिट्ठी में सबसे पहली बात यह है, शर्त यही है कि पहले वो तीनों कानून वापस लिए जाए, कृषि कानून वापस लिए जाए, उसके बाद ही बातचीत किसी दूसरे मुद्दे पर होगी। अब ऐसे में सरकार को देखना है कि क्या वाकई सरकार इस बात के लिए मानती है या फिर बीच का रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि यही एक डेडलॉक है जिसकी वजह से अब तक पूरा मामला फंसा हुआ है, जस का तस है। क्योंकि किसान इससे कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हमसे बिना शर्त बात करिए, उनका यह कहना है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लीजिए, उसके बाद हम आपकी कोई बात मानेंगे। सरकार लगातार अड़ी हुई है। और इधर अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनीशा, क्या जानकारी आपके पास, क्या कल बैठक मुलाकात होने वाली है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जवाब आना बाकी है। अभी यहाँ पर किसान आंदोलन में, लेकिन किसान जो है वो काफी नाराज है सरकार से। जो लेटर भी भेजा गया था उसमें भी साफ साफ किसानों ने यही लिखा है कि सरकार जो है वो उनके आंदोलन के खिलाफ बोल रही है, उनके आंदोलन के ऊपर लांछन लगा रही है और उससे किसान खुश नहीं है। उन्होंने 4 पॉइंट का एजेंडा जो अपना दिया हुआ है कि आप ये कानून वापस लीजिए, आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए, जो बिजली के बिल है वो उनको कम कीजिए, और जो पराली जलाने पर फाइन्स लगे हुए हैं उस कानून में भी कुछ संशोधन कीजिए। ये 4 पॉइंट का एजेंडा लेके किसान शुरुआत से चल रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि सरकार क्या कहती है। काफी अलग अलग पॉलिटिकल साइड से भी उस किसानों को समर्थन मिल ही रहा है। हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कल यहाँ आए थे, आज अभय चौटाला जो है हरियाणा के, वो आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार किसानों से वहां पर बात भी कर रही है, उनके बीच ही आप मौजूद है। ये बताइए, 33वां दिन और डे वन से हम यही सुन रहे हैं, आज भी हम यही सुन रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि पहले कृषि कानून तीनों वापस लिया जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बात तो वहीं की वहीं है, डेडलॉक वैसा का वैसा बरकरार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, डेडलॉक जो है शुरुआत से बरकरार है। 5 राउंड बातों के हो चुके हैं, टॉक्स के हो चुके हैं, और हर बारी किसान यही कहते हैं कि आप ये कानून वापस लीजिए। याद रखिएगा, 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो चिट्ठी भेजी गई थी सरकार की तरफ से, सरकार ने भी मान लिया था कि इन कानूनों में काफी कुछ सुधार की जरूरत है, संशोधनों की जरूरत है, और इसीलिए किसान अभी भी इसी बात पर अपनी डटे हुए हैं कि जब सरकार ये मान चुकी है कि इन कानूनों में गड़बड़ियां हैं, इन कानूनों में संशोधनों की जरूरत है, खासतौर से जब ये प्राइवेट मंडियों के रेगुलेशन को लेकर, उनके टैक्सेशन को लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी जरूरत है संशोधन की। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो, उस पर खासतौर से किसान काफी परेशान है क्योंकि उसके संशोधन की बात अभी तक सरकार ने कुछ नहीं मानी है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो सिर्फ दाल और सिर्फ धान और गेहूं के अलावा भी काफी अलग अलग कमोडिटीज को सरकार थोड़ी प्रोटेक्शन दे, ये सब यही चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात में कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल, चलिए तो इंतजार इसका करना पड़ेगा। निशा, आप भी आगे बने रहे, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।